अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शुभम भवतु, तुम्हारे घर में सुख शांति सदैव बनी रहे। बस आपसे यही आशीर्वाद चाहिए था। राधिका, गुरुजी हमारे घर के सब सदस्यों को तो आप जानते ही हैं। ये राधिका है, दिव्यम की पत्नी। प्रणाम गुरुजी। सदा सुहागन रहो, भलो फूलो। और कितना फूलेगी तुम्हारी ये गोलमुखी। राधिका, गुरुजी का कमरा तैयार है। जी दादी। सुजाता, इन्हें कमरे तक पहुंचा दो। आइए गुरुजी। अचानक से काला क्यों हो गया और हमारे हाथ में जलन क्यों हो रही है? जाकर हाथ धोने पड़ेंगे, बहुत जलन हो रही है। लेकिन इस फूल में ऐसा था क्या? गुरुजी, ये आपके लिए फलहार। हम पहले सूर्य देवता को नमस्कार करेंगे, उसके बाद ही फलाहार करेंगे। जी गुरुजी। जी, मीटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं। इन पौधों में पानी डालने के बहाने उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसे भी साफ कर देते हैं। यहाँ पर किसने रखा? ऐसे नींबू तो जादू टोटके में इस्तेमाल किया जाता है। सदा सुहागन रहो, भलो फूलो। नहीं तो नहीं, नहीं नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं गुरुजी, ऐसा क्यों करेंगे? ये तो काले जादू वाली गुड़िया है। इसका मतलब गुरुजी घर में काला जादू कर रहे हैं। सदा सुहागन रहो, भलो फूलो। गुरुजी छत पर जल देने गए हैं और ये बात राधिका को पता ही नहीं। इसे भी साफ कर देते हैं।
गुरुजी, ये दिव्यम की फाइल है, इस पर स्वास्तिक बना करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अवश्य। शुभस्त शीघ्रम। अब गुरुजी की उंगलियां लाल हो गई हैं। पता नहीं आज दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है हमारा। गुरु जी, आजकल दिव्यम के काम में बहुत अड़चने आ रही हैं। अगर कोई उपाय हो तो बताइए। ठीक है बेटा, ये लो। इसका धुआं दिव्यम के दफ्तर में सारी जगह कर देना, जितनी भी अड़चने हैं सब समाप्त हो जाएंगी। जी ये क्या कर रही हो बेटा? यह नहीं बेटा, दिव्यम के दफ्तर में धुआं करना है। माफ करिएगा गुरुजी, प्रणाम। राधिका कंबल लेकर आ रही है। ये अंदर से धुआं कैसे आ रहा है? अब राधिका करेगी बेचारे गुरुजी को बदनाम, और बदले में आएगा खुद राधिका का नाम। ये काला जादू सच में होता है या नहीं, और क्या इस गुड़िया का सच में किसी पे असर हो रहा होगा? दिव्यम जी, दिव्यम जी पानी पी लीजिए, उठिए। दिव्यम जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस सिर्फ थोड़ा सा ठसका लग गया था। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ सो जाओ। क्या आप सच में गुरु जी हमारे घर पे काला जादू कर रहे हैं? हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्युर्मुखीयम अमृता। जय भोलेनाथ। अनर्थ, घोर अनर्थ। पूजा का आलता गिरना बहुत ही अशुभ होता है। राधिका, क्या हुआ तुम्हें? गुरुजी को ऐसे देखकर डर क्यों गई? माँ जी, वो शायद हमारे चेहरे पर लगी भस्म को देखकर बहू डर गई।
लेकिन बेटी, महादेव की पूजा करते समय ये भस्म तो हम हमेशा लगाते हैं। माफ कर दीजिएगा गुरुजी, गलती हो गई। गुरुजी, अब इस अपशकुन का कुछ तो उपाय बताइए ना। आप परेशान मत होइए, उसके लिए हम एक विशेष पूजा कर देंगे, सब सही हो जाएगा। गलतियों पे गलतियां करी जा रही हो तुम। आज से तुम सिर्फ गुरुजी का खाना और पानी का ख्याल रखोगे, इतना कर पाओगे ना तुम? जी दादी। गुरुजी, पूजा आरंभ कीजिए। अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना हमारे घर में ये सब क्या मिल रहा है। पता नहीं कहां से ये काले जादू की गुड़िया हमारे घर में आ गई। माँ, कहां से आई, क्या आई, ये सब से क्या मतलब? अरे कविता भाभी ने खुद राधिका को रंगे हाथों पकड़ा है। माँ जी, लेकिन हमारा यकीन मानिए कि गुड़िया हमारी नहीं है। किसी पर भी ऐसे सीधे इल्जाम लगाना गलत है। राधिका भी इस घर की सदस्य है, बिना तथ्य के उस पर ऐसे उंगली उठाना ठीक नहीं है। यहां किसके मन में सत्य है और किसके मन में मिथ्या, ये पता लगाने का हमारे पास एक उपाय है। कैसा उपाय गुरुजी? यही कि कल पता चल जाएगा कि ये काला जादू किसने किया है। पर कैसे गुरुजी? एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। लाल रंग सुहागन का प्रतीक है, इसका अर्थ है कि काला जादू इस घर में कोई सुहागन ही कर रही है। कल गणेश चतुर्थी है, गणपति की मूर्ति की स्थापना होगी। कल इस घर की सुहागने गणेश जी की मूर्ति बनाई, जिससे गणेश जी की मूर्ति नहीं बनेगी तो समझ लो कि काले जादू के पीछे उसी का हाथ है। क्योंकि भगवान कभी भी किसी काले मन वाले इंसान से नहीं बनते।
गुरुजी, पर हम क्यों मूर्ति बनाए गुरुजी? हमने थोड़ी ना काला जादू किया है और ना ही हमारे पास से ये गुड़िया मिली है। अब जिसके पास से ये गुड़िया मिली है उसी को ही तो मूर्ति बनानी चाहिए। अब क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? बस कविता, तुम गुरुजी की बात को टालने की कोशिश भी मत करना। अगर उन्होंने कहा है कि घर की सुहागने ही बप्पा की मूर्ति बनाएंगी तो तुम सुजाता और राधिका मूर्ति बनाओगी। और जिससे मूर्ति नहीं बनेगी वो ही काले जादू का दोषी होगा। पर मम्मी जी, बस इससे आगे और कोई सवाल जवाब नहीं होगा। गुरुजी, चलिए। आज तक गुरुजी ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच हुआ है सुजाता। हमारी मूर्ति बने या ना बने, हमें राधिका की मूर्ति किसी भी कीमत पर बनने नहीं देनी है, वरना सारा इल्जाम हमारे सर पे आ जाएगा। अब तो कुछ भी करके ये इल्जाम हमें राधिका पे ही डालना होगा। हे भोलेनाथ, हमें अपनी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। सात बजने में 15 मिनट बचे हैं। गुरुजी के आने से पहले मूर्तियां बन गई। अरे क्या 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 हुआ, तुम उछल क्यों रही हो? अरे उछल क्यों रही हो चूहा? तो अरे भाभी क्यों उछल रही हो? चूहा ही तो है। मूर्ति खराब हो गई, टूट गई हमारी। भाभी, हमारी मूर्ति तो खंडित हो गई, क्या करें अभी? गोलू बेटा। जी चाची। ये पंखा चला दो ना, हमें गर्मी लग रही है। तुम्हें गर्मी की पड़ी है सुजाता? यहाँ मेरे पसीने छूट रहे हैं ये सोचकर कि अब गुरुजी और मम्मी जी आके क्या कहेंगे। ये सब छोड़ो, आपकी आंखें ज्यादा जरूरी है, चलो आप। नहीं बेटा, गुरुजी ने कहा था ना कि मूर्ति बनानी है। माँ, ऐसा है तो तुम रहने दो मूर्ति, बाकी की दो बहुएं बना लेंगी। जैसा आप कहें। चलो चलो सोफा पे। ये सुजाता तो बड़ी चालू निकली, छोटी नौटंकी करके बच निकली और मैं फंस गई। कविता, तुम तो बना सकती हो ना ये मूर्ति, और राधिका कहाँ है? उसने कहीं अपने हाथ खड़े तो नहीं कर दिए? बस 10 मिनट शेष है, देखते हैं कौन महादेव के पास समय से मूर्ति लेकर आता है। ये मूर्ति तो बनने से रही, कहीं मैं ना फंस जाऊं, क्या करूं? गुरुजी, गुरुजी,
कविता क्या कर रही हो? छोड़ो उनके पैर। नहीं मम्मी जी। अब ये क्या नया नाटक कर रही है? गुरुजी हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने काला जादू नहीं किया है गुरुजी, सच्ची बोल रही हूँ गुरुजी, पर मुझसे ये मूर्ति नहीं बनने वाली, मुझे आती ही नहीं बनाना। अगर आपको यकीन नहीं है आप मम्मी जी से पूछिए, मैं मम्मी जी की सबसे निकम्मी बहू हूँ गुरुजी, मेरा काम काज में बिल्कुल नहीं मन लगता है गुरुजी, आप यकीन कीजिए, मैंने काला जादू नहीं किया है गुरुजी, सच्ची बोल रही हूँ गुरुजी, माफ कर दीजिए। हमें सब पता है। हमसे कुछ भी छुपा नहीं है, ये सब करवा के हमें सिर्फ ये जानना था कि किसका मन साफ है और किसके मन में शरारत भरी हुई है। तुम खड़ी हो जाओ, यहां कोई काला जादू नहीं था, ये सब एक छलावा था। किसी के मन में नफरत थी और किसी के मन में सिर्फ श्रद्धा, किसी के मन में मैल था और किसी का मन अति सुंदर। हटो। लेकिन गुरुजी ये भद्दी हरकत कर कौन सकता है? आप बताइए ना, कौन सी बहू है? आप घबराइए मत, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ, पर निश्चिंत रहो आज के बाद इस घर में कोई मजाक में भी काला जादू नहीं करेगा। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन गणपति बप्पा की पूजा कैसे होगी, क्योंकि किसी की मूर्ति नहीं बनी और राधिका भी पता नहीं कहाँ है। इस बात की चिंता मत कीजिए आप, गणपति जी किससे बनते हैं किससे नहीं ये बप्पा खुद तय करेंगे। आपको लगता है कि मूर्ति नहीं बनी, पर हमें ज्ञान है कि मूर्ति बन चुकी है। पप्पा ने अपना उम्मीदवार चुन लिया था। कौन है वो गुरुजी? मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।